18 साल तक कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी तरफ सिंधिया की बगावत के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार मुश्किल में है, क्योंकि सिंधिया खेमे के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब सिंधिया के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। बता दें कि ऐसी कई जानकारियां सामने आई थी कि सिंधिया ने शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी की वजह से पार्टी से किनारा कर लिया, जिनमें ये कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस आलाकमान से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया जा रहा था। इसको लेकर ही राहुल गांधी से सवाल दागे गए, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केवल ऐसे थे जो कभी भी मेरे घर आ सकते थे, वे मेरे साथ कॉलेज में भी रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिनती राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में होती थी। प्रियंका गांधी से भी सिंधिया के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश में मजबूत किया और कमलनाथ सिंधिया को कमजोर करने में जुटे रहे। ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी ने उससे एक बड़ा नेता छीन लिया और अब सिंधिया के साथ उनके समर्थक विधायक भी बीजेपी के साथ हैं। गौरतलब है कि सिंधिया बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिंधिया को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। ऐसे में मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।